कर्ण महाभारत के सबसे प्रमुख और जटिल पात्रों में से एक थे। उनका जन्म कुंती और सूर्यदेव के पुत्र के रूप में हुआ था। कुंती ने युवावस्था में ऋषि दुर्वासा द्वारा दिए गए एक मंत्र का प्रयोग करके सूर्यदेव का आह्वान किया, जिससे कर्ण का जन्म हुआ। समाज और लोकलाज के डर से कुंती ने नवजात कर्ण को एक टोकरी में रखकर नदी में प्रवाहित कर दिया। कर्ण को अधीरथ और राधा ने पाया और अपनाया, जिन्होंने उन्हें अपने पुत्र की तरह पाला। इसी कारण कर्ण को राधे भी कहा जाता है। कर्ण का पालन पोषण एक सारथी परिवार में हुआ, लेकिन उनके दिल में हमेशा से योद्धा बनने की चाहत थी। उन्होंने द्रोणाचार्य से शिक्षा प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें उनकी जाति के कारण अस्वीकार कर दिया गया। निराश होकर कर्ण ने परशुराम की शरण ली और उनसे शस्त्र विद्या प्राप्त की। परशुराम ने जब यह जाना कि कर्ण क्षत्रिय है, तो उन्होंने कर्ण को शाप दिया कि जब उन्हें सबसे अधिक आवश्यकता होगी, तब वे अपनी विद्या भूल जाएंगे। कर्ण की कुशलता और वीरता को देखकर दुर्योधन ने उन्हें अंग देश का राजा बना दिया और दोनों के बीच गहरी मित्रता हो गई। कर्ण ने दुर्योधन की मित्रता और स्नेह के बदले में हमेशा उनका साथ दिया। महाभारत के युद्ध के समय कर्ण ने कौरवों का समर्थन किया। उन्हें अपने जीवन के उत्तरार्ध में पता चला कि वे कुंती के पुत्र और पांडवों के बड़े भाई हैं, लेकिन उन्होंने अपने वचन और धर्म का पालन करते हुए कौरवों का साथ नहीं छोड़ा। महाभारत के युद्ध में कर्ण की वीरता और युद्ध कौशल ने सबको प्रभावित किया। उनका अर्जुन के साथ युद्ध महाभारत का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। युद्ध के दौरान परशुराम के शाप के कारण कर्ण अपने रथ का पहिया निकालते समय अपनी विद्या भूल गए और अर्जुन द्वारा मारे गए। उनकी मृत्यु के बाद सभी ने उनकी महानता, दानवीरता और निस्वार्थता की प्रशंसा की। कर्ण का जीवन संघर्षों, बलिदानों और महानता की एक अद्वितीय कहानी है, जो हमें यह सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, हमें अपने सिद्धांतों और मूल्यों का पालन करना चाहिए।